भाई साहब आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले फिनोलेक्स केबल्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 6 रुपए 70 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक आधे परसेंट से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर टेक्निकल्स पर ध्यान दे तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 10% की गिरावट देखने को मिली है, 1 महीने में 11.5%, 3 महीने में 12% की तेजी देखने को मिल रही है, 6 महीने में 43% और 1 साल में 111% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में एक बड़ी रैली देखने को मिली है, परंतु 1 महीने से इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो स्टॉक में एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है अराउंड 920 रुपीज। 920 रुपीज के इस स्टॉक में हाई बॉटम देखने को मिल रहेगा जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो अराउंड 760 रुपीज 760 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 900 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।